बिना कुछ चुकाए हमें जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। यह बात व्यवहारिक रूप में भी उतनी ही सटीक है जितना कि सैद्धांतिक रूप में। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा खोना भी पड़ता है। जैसे उम्र का एक बाकी हिस्सा उम्र के पिछले हिस्से को पल दर पल छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। त्याग तो करना पड़ता है, त्याग। जितना आपके भीतर त्याग होगा किसी लक्ष्य के प्रति आपका उतना ही समर्पण माना जाएगा। और जब त्याग बेहतर के लिए होता है, विशालता के लिए होता है, तो आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा निर्मित होती है, एक अलग ही प्रकाश भीतर दीपित होता है। इसमें मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है प्रभु श्री राम का। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है और जब वे सन्यासी का वेश धारण करके बाहर निकलते हैं तो जनता रोकने लगती है, प्रजा रोकने लगती है, लोग जाने नहीं देते, रथ के घोड़े छोड़ दिए जाते हैं, पूरी प्रजा राजद्वार पर इकट्ठा हो जाती है और कहा जाता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता आया है। राजा के रूप में उन्हें राम ही चाहिए थे, लेकिन राम सबको मना रहे थे। रथ में बैठे थे और रथ जा रहा था, लोग पीछे पड़े हुए थे और भगवान ये कहते जा रहे थे कि जाने दो, मेरा रथ मत रोको, मुझे जाने दो। हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रहे थे कि नहीं, मुझे जाने दो। तभी उनमें से एक बुजुर्ग बाहर निकल के आया। भगवान राम को लगा कि शायद यह भी वही कहेंगे जो सब कह रहे हैं, तो भगवान ने पहले से ही कहा कि मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। इस पर प्रभु श्री राम को जो बुजुर्ग ने जवाब दिया, उस बुजुर्ग ने कहा कि राजकुमार राम, मैं आपको रोकने नहीं आया हूं। मैं तो बस ये देखने आया हूं कि त्यागी पुरुष दिखता कैसा है। कैसा दिखता है त्यागी पुरुष, मैं बस ये देखने आया हूं। राजकुमार, शायद अब के पहले अयोध्या कुछ सदियों तक जानी जाती, लेकिन आज के बाद अयोध्या युगों तक जानी जाएगी, युगों तक अपनी कीर्ति बिखेरेगी। याद करेगी कि उस राजवंश में कोई ऐसा राजकुमार भी हुआ था। यह त्याग है। कई बार हम सबका मन भटकता है, बहुत सी चीजें लुभाती हैं, लेकिन किसी ऊंचे लक्ष्य का गढ़ हासिल करने के लिए, जीतने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ बनाना पड़ता है, हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ ध्वस्त करना पड़ता है। अगर आपने कभी कोई लक्ष्य हासिल किया होगा तो शायद मेरी बात समझ में आती होगी, अंदाजा लग गया होगा कि आपने कितना कुछ त्यागा है, कितना कुछ बिना मन के भी। बस